सांसारिक जगत पे ऋषियों का बहुत बड़ा उपकार रहा है। अपनी सुख सुविधा भोग साधन संपन्नता ऐश्वर्य सब कुछ छोड़ के जगत के कल्याण में रत रहने वाले ऋषि, किसी ने कल्याणकारी पुराण दिए, किसी ने कल्याणकारी भागवत दी, किसी ने आत्मा परमात्मा का विवेचन करती हुई सूक्ष्म से सूक्ष्म ग्रंथ योग वशिष्ठ महारामायण दिया, किसी ने विमान की विद्या दी तो किसी ने गणित की विद्या सिखाई कि गणित एक से नहीं पर शून्य से शुरू होता है। ये विश्व को जानकारी देने वाले सबसे प्रथम ऋषि ही माने गए हैं और ऋषि ने ही इनकी शुरुआत की थी, वो चाहे आयुर्वेद हो चाहे रामायण हो, वाल्मीकि भी ऋषि, महाभारत भागवत व्यास ऋषि, कई कई प्रकार के जितने भी ऋषि हो गए उन्होंने समाज को कुछ ना कुछ दिया ही दिया है। गणित हो, भौगोलिक स्थिति हमारी, हम कहते हैं कि पृथ्वी गोल है, विज्ञानियों ने तो आज कितने वर्षों के बाद इस बात को रिसर्च किया है, पर हमारे ऋषि विज्ञानियों ने तो कितने साल पहले कह दिया कि पृथ्वी गोल है और भू भुव जन तप महलोक स्वर्ग लोक पाताल लोक ऐसे कई प्रकार के सात ऊपर सात नीचे ऐसे 14 लोक हैं। अब विज्ञानी कहते हैं कि ऐसी दूसरी भी सृष्टि है, ऐसे दूसरे भी उपग्रह हैं और ग्रह हैं जहाँ पर जीवन संभव है, और वहाँ पर कई ऐसे एलियंस जिसको हम कहते हैं दूसरी जाति के और दूसरे ग्रह के लोग वहाँ निवास करते हैं, ऐसे आज उनका अभी अंदेशा है, अभी तो उन्होंने उस पर रिसर्च नहीं किया है, पर हमारे ऋषि मुनियों ने तो कई वर्ष पहले इन 14 लोगों की उपस्थिति है ये बात को स्वीकार किया। शास्त्रों में 14 लोगों का जिक्र भी आता है, पाताल उसमें है, नागलोक है, जनलोक है, महलोक है, भूलोक है, भूलोक है, स्वर्गलोक है, तपलोक है, ऐसे कई प्रकार के लोकों की विश्लेषणात्मिका हमारे ऋषि मुनियों ने पहले ही कह दी है, विश्लेषण उसका पहले ही हो चुका है। आयुर्वेद में अब जाके नीम कैंसर प्रतिरोधी क्षमता रखता है, तुलसी वंडर ड्रग कहा जाती है, गाय के गौमूत्र से अनेक प्रकार की औषधियाँ बनाई जाती है, वो अब जाकर रिसर्च हुआ है, हमारे ऋषि मुनियों ने इसको भी पहले से ही रिसर्च कर दिया है। मतलब कि हमारी जो भारत भूमि है वह ये कह दो कि टीचर्स, प्रीचर्स और रिसर्चर्स से भरी हुई है। शिक्षक, प्रीचर्स उसे बताने वाले संत महापुरुष और रिसर्चर्स, हर चीज़ में उसको रिसर्च करते रहना, हर व्यक्ति यहाँ पर रिसर्च करके एक अलग ही अंदाज से एक नई चीज़ ले आता है, वो हमारी भारत भूमि है, उसके बाद विश्व में फैलता है वो और बात है। अब विज्ञानी कहते हैं कि विज्ञान ने ये ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, ये ढूंढ लिया, पर गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन ने बाद में लाया, उसके पहले ही भीम ने गुरुत्वाकर्षण नियम के पार हाथियों को गोल घुमा के फेंका था जो वापस धरती पर नहीं आए। गणित अब जाके कि गणित शून्य से शुरू होता है, अब का विज्ञानी कहता है, पर नहीं, जब 12 वर्ष 13 महीने का वनवास पूरा हुआ था पांडवों का, 12 वर्ष 1 महीना, उसकी गिनती भीष्म पितामह ने लगाई थी, तब वो गणित के गणितज्ञ मास्टर माने जाते थे महाभारत काल में। अब हम कैलेंडर के हिसाब से चलते, वो तिथियों के हिसाब से चलते थे, यहाँ तक कि आज भी ऐसे बुजुर्ग हैं जो चंद्रमा की स्थिति को देखकर समय बताते हैं। हम भी शायद 2 बज रहे होंगे, 2:30 बज रहे होंगे, एग्जैक्ट 2:05 हुई है कि 2 बजने में 5 मिनट है, आज भी ऐसे कई बुजुर्ग होते हैं 99 साल के, जो आज भी तारों की स्थिति को देखकर समय की गणना लगाते हैं।
तो हमारा तो प्रत्येक आप आर्किटेक्चर अब है, अब आर्किटेक्ट विद्या पढ़ाई जाती है 3 साल 6 साल 4 साल उसमें मास्टर्स। आप उदयपुर का पैलेस देखो, कौन सा आर्किटेक्ट पढ़ा था, फिर भी इतना सुंदर महल बनाया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर, सूर्य की पहली किरण उगती है और पहली किरण उस मंदिर पर पड़ती है, कैसी गणना हुई होगी। कुछ तो उनके जजमेंट रहे होंगे बिना पढ़े, वो भी पढ़े लिखों को पढ़ाने वाले। ये सब हमारे ऋषि परंपरा की गणना है और ऋषि परंपरा का अभ्यास है। जब तक की मानव समाज, जब तक की ये पूरा विश्व ऋषियों की उस गणना के अनुसार या ऋषियों के उस ज्ञान के अनुसार या ऋषियों ने जो रिसर्चर्स हमारे मास्टर्स थे रिसर्च करने में, उन रिसर्च को जब तक हम नहीं मानेंगे तब तक हमारी दौड़ किसी न किसी चीज़ के लिए चालू ही रहेगी। और हजारों विज्ञानी एक रिसर्च को करने में हजारों जन्म लगा देते हैं, वो हमारे विज्ञानी ऋषि विज्ञानी एक जन्म में कई रिसर्च ढूंढती है। ये हमारे ऋषि परंपरा है। तो ऐसी ऋषियों ने हमें बहुत कुछ दिया है इस समाज को। उनके नाम तक हम नहीं जानते पर फिर भी ऋषि पांचम उन समस्त ऋषियों की वंदना करने का दिवस है। और कुछ ऋषियों ने ऋषियों की के उपदेशों में कि मानव जितना भी भटक ले चाहे पर जब तक परमात्मा की प्राप्ति नहीं करता तब तक उसकी भटकान जारी रहती है। जिस दिन मानव ये सोच ले कि मुझे परमात्मा को ही पाना है तब सारे द्वंद्वों से ऊपर उठकर केवल और केवल परमात्मा मय होने को तैयार होता है। ये हमारे ऋषियों का ज्ञान है जो आज का विज्ञान वहाँ पर पहुँच भी नहीं सकता।